पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। अब हम उसको एक लेवल और आगे देखते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी इस डायरेक्शन में, और ये मेरा चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल जिसका मास कुछ एम है, वो जा रहा है ऊपर, ठीक है, सच दैट द velocity is perpendicular to the magnetic field. Velocity और magnetic field क्या है? Perpendicular दोस्तों। मुझे पता है कि जब velocity और magnetic field perpendicular होती है तब ये force लगाएगा इसके ऊपर। क्या force लगाएगा? F equals to Q V cross B. F equal to Q V cross B. अच्छा चलिए दोस्तों, V cross B force लगाएगा ये, तो ये radius में घूमेगा, मतलब वो circle में घूमेगा इसका radius होगा, ठीक है। कैसे घूमेगा? वृत्त रखो यहाँ, Q V क्रॉस B, B किधर है? इधर, मतलब ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है? ये सर्कल ऐसा बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अंदर जाएगा बाहर, अंदर जाएगा बाहर, अंदर जाएगा बाहर, अंदर जाएगा बाहर, ऐसे, ओके, तो दिस इज V परपेंडिकुलर। अगर मैं इसका रेडियस पूछूं तो रेडियस होगा एम इंटू वी परपेंडिकुलर बाय क्यू इंटू बी, यही होता है फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पर V को चलेंगे V परपेंडिकुलर वाला, ओके। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी पैरेलल है इसकी। वेलोसिटी क्या है? पैरेलल है इसकी, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या, मैं बोल दूं ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, ये पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। फोर्स क्यों नहीं दोस्तों? साइन थीटा जीरो है ना, साइन थीटा जीरो, इसका मतलब ये निकल जाएगा सीधा, ओके। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है सो इट विल गो अनडिविटेड अनचेंज्ड, एंड इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक। अगर इसका कॉम्बिनेशन हो गया तब कैसे होगा कॉम्बिनेशन? मान लीजिए कि एक पार्टिकल किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसके पास दो कॉम्पोनेंट है, एक है वी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वी साइन थीटा। वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड वी कॉस थीटा इज पैरेलल कंपोनेंट। चलिए, इसका मतलब इसका जो पाथ होगा वो बिल्कुल देखने लायक होगा, ये सर्कल भी कंप्लीट करेगा और आगे भी बढ़ेगा, राइट। तो ये जो पाथ होता है वो दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का पाथ हमें मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलिकल स्ट्रक्चर, या ये हेलिक्स बनाता है। क्या होता है? हेलिक्स। अब इस हेलिक्स की कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, और दो सर्कल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, करेक्ट। तो हम वो सब चीज अब कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये जो हेलिकल पाथ आया है हमारा, इसका रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ द हेलिक्स कितना होगा? mv अपॉन qb। बट दोस्तों कौन सा वेलोसिटी? v cos थीटा और v sin थीटा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही तो हमें प्रोड्यूस करके देगा रेडियस। तो ये हो जाएगा mv sin थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोस्तों कि टाइम पीरियड कितना है एक सर्कल कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगता है? तो वो आपको पता है 2 पाई एम बाय क्यूबी। दोस्तों ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 पाई एम बाय क्यूबी। देखो दोस्तों, हमेशा ऐसे मत रटिए यार कि v sin थीटा रेडियस बनाता है, नहीं, वो कंपोनेंट लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ऐसा याद रखिए, वो कंपोनेंट लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्मेट में गिवन हो, आई क्या देख के, तो आपको वो कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। बट अगर मैं जनरल केस लूं, जैसे अपनी बुक्स में होता है नॉर्मली, तो हम ये वाला केस लेते हैं जब पार्टिकल थीटा एंगल कहां से मैग्नेटिक फील्ड से होता है, तो वी कॉस थीटा अलोंग कंपोनेंट का, वी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। चलो, अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिच। अब पिच क्या होता है? पिच होता है ये दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस, दिस कॉल्ड इज पिच, दिस कॉल्ड इज पिच। अगर मुझे पिच निकालना है तो पिच निकालने के लिए मुझे समझ में आएगा
कि एक पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टी टाइम लेता है, और इसको आगे पुश कर रहा है, इसको आगे पुश कर रहा है वी पैरेलल कंपोनेंट, मतलब वी कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट मुझे उसे आगे लेके जा रहा है, और एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है वो ये लगता है। तो क्या मैं लिख दूं, पिच की जो डिस्टेंस आती है डी इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी दोस्तों, कौन इसको आगे धक्का दे रहा है, v या v cos थीटा या v sin थीटा, v cos थीटा, तो हमें यहां पे कंपोनेंट लेंगे v cos थीटा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में हमें स्पीड लेना है, इनटू टाइम, टाइम कितना है 2 pi m by qv divided by qv, 2 pi m by qv, दिस विल गिव यू द पिच ऑफ द स्ट्रिंग्स, द पिच ऑफ द स्ट्रिंग्स। क्या आपको ये चीज क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों अब हम देखेंगे रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड में रेंज का वेरिएशन। मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इस बार इनफाइनाइट नहीं ले रहा, हर केस में क्या लेता था मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेता था और बहुत लंबी रेंज तक स्प्रेड लेता था, ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो कुछ डी डिस्टेंस तक स्प्रेड है मैग्नेटिक फील्ड से, इस डिस्टेंस यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक ही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल मेरा काफी दूर से भागता हुआ आ रहा है, ठीक, काफी दूर से मेरा चार्ज पार्टिकल भागता हुआ आ रहा है, अब बताओ क्या होगा दोस्तों, ये चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये चार्ज पार्टिकल कहीं मूव नहीं करेगा, इसी डायरेक्शन में सीधा आता रहेगा, कब तक जब तक इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश नहीं मिल जाता, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं कर जाता। द मोमेंट इट एंटर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वेलोसिटी रखो यहां वेलोसिटी क्यू वी क्रॉस बी, क्या ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब अब आने के बाद ये घूमना स्टार्ट करेगा, कैसे घूमना स्टार्ट करेगा, सच दैट इसका सेंटर फिक्स होगा यहां, ऐसे समझ रहे, सेंटर यहां फिक्स हो गया और ऐसा घूमना स्टार्ट करेगा अभी, ओके। यहां पर हमें तीन केस पढ़ना है दोस्तों, कितने, तीन केसेस, चलो पहले हम मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस डी है ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेडियस, ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेडियस, रेडियस की कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेडियस की कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज्यादा है दोस्तों, तब ये पार्टिकल आया और आके क्या वो ऐसे घूम के वापस निकल जाएगा, समझ आया, मतलब वो ऑलरेडी उसके पास इतनी स्पेस है, सेंटर यहां होगा आपको पता है इसी लाइन पे होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन पे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, चलो तो अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है हमेशा याद रखना क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो यहां पे होगा सेंटर, ये घूमा और निकल गया। अब वो पूछते हैं भाई कितना एंगल टर्म हुआ, तो एंगल कितना टर्म हुआ 180 डिग्री, अब वो टाइम भी पूछ सकते हैं कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा टी बाय टू, कंप्लीट सर्कल लगता है 2 पाई एम बाय क्यूबी, यहाँ पे डी बाई टू हो जाएगा, मतलब पाई एम बाय क्यूबी, ठीक है, ये केस तो इजी है दोस्तों। अब केस टू लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर डी और आर बराबर हो, डी और आर बराबर हो, मतलब जैसे ही आर पे आ गया वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म, अब क्या होगा इस केस में, ये पार्टिकल ऐसा जाएगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि खत्म हो चुकी है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, वो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, वो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब इसका सेंटर यहां होगा इन दोनों के कॉमन पॉइंट पे, ऐसे ये, ठीक है। अब अगर वो एंगल पूछे तो आप एंगल बता सकते हैं 90 डिग्री, और अगर टाइम पूछे तो आप बोल सकते हैं डी बाय फोर, कंप्लीट सर्कल में टी तो 1/4 सर्कल में टी बाय फोर, इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, टाइम इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मान लीजिए थर्ड केस लेते हैं जहां पर रेडियस बड़ा है डी से, रेडियस बड़ा है डी से, केस 3, अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर किया ये घूमेगा तो सही मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन फिर वो एग्जिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इसका मतलब यहां पे कुछ इसका सेंटर आएगा, सच दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दोनों रेडियस के बराबर आर आर ही होंगे, ठीक है। ये वाले केस को और अच्छे एनालिसिस करते हैं, मैं बनाता हूं उसको, मैं मान लीजिए यहां पर आता उसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस कम कर देते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसा आया, चार्ज पार्टिकल आया और आके इस पॉइंट पर घूमने लगेगा वो ऐसे, और यहां से वी स्पीड से एग्जिट कर गया,
कितने स्पीड से एंटर कर रहे हैं दोस्तों, 20 स्पीड से। मान लीजिए क्योंकि हमें पता है कि स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती, इससे वेलोसिटी चेंज होती है। अगर मान लीजिए मैंने ये थीटा एंगल लिया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल लिया थीटा। अब रेडियस और वेलोसिटी क्या हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? रेडियस और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों। रेडियस और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्यों? सेंट्रीपेटल फोर्स और वेलोसिटी हमेशा होती है नॉर्मल टेंजेंशियल, ठीक है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ डी डिस्टेंस पे, मतलब ये लाइन यहां से लेके यहां तक क्या ये डी डिस्टेंस, और यहां से यहां तक यहां तक ये आर रेडियस है, ये है ना। अब ये दोनों 90 एंगल है, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा हो जाएगा? मतलब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं आपको, तो ये रेडियस है और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस डी है। आप इजीली दोस्तों यहां पे साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो थीटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स डी बाय आर, डी बाय आर मतलब आप ले सकते हैं साइन इनवर्स डी बाय एम वी अपॉन क्यू बी, तो आप थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक बार थीटा निकाल लिया तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि कितनी देर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। कैसे? देखो ध्यान समझना, जब कंप्लीट सर्कल करता है पार्टिकल तब टाइम कितना लगता है? 2πm/qb, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूं, टाइम पीरियड इज नथिंग, इट इज पाई एम इन बाय क्यू बी इंटू 2π, एम बाय क्यू बी इंटू 2π, कंप्लीट सर्कल। कुछ अच्छा निकल गया ना, देखो t इक्वल्स टू एम बाय क्यू बी, जब मेरा हाफ सर्कल हुआ था तो एंगल आंसर कितना आया कि पाई एम बाय टू भी आया, टी बाय टू आया, जब 1/4 हो गया था तो टी बाय फोर आया। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं थीटा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कितना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल ट्रेवर्स कर रहा है। ओके, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 2π होता, बढ़िया। अगर हाफ सर्कल है तो पाई रेडियंस है ना, पाई रेडियंस, तो यहां से पाई रखेंगे तो एक्चुअली वो डी बाई टू हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, टाइम पीरियड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए m/m/m/qb इंटू थीटा, और थीटा क्या है? जो एंगल वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बना रहे, क्लियर। सो कम ऑन फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस सम एलटीक्यूज। यहां पर थोड़ा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम लेके आया मैं आपके लिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिए है कांस्टेंट और हमारा एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इस बार किसी एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है, करेक्ट। तो हमें निकालना है कि बताओ वो कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, और हम उसका एंगल बताएंगे। देखो क्या होगा कि फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, चार्ज पॉजिटिव है तो वी इधर है, बी किधर है? अंदर, तो फोर्स लगेगा ऐसा, मतलब 100% मुझे समझ में आ गया कि जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग ही लगने वाला है दोस्तों। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगने वाला है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होने वाला है, ये चीज हमें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब ये घूमेगा ऐसा, घुमा सच दैट द सेंटर हमेशा सेंटर पे रहेगा। इसका मतलब क्या ये पॉइंट एक इधर से बाहर निकल सकता है? ये घूमते घूमते इधर से बाहर निकल जाएगा दोस्तों, इधर से बाहर निकल जाएगा। और आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि अगर ये सर्कल का कोई पार्ट है तो सिमेट्री मेंटेन रखेगा, ये डिस्टेंस आर रहेगी, ये डिस्टेंस आर है, मतलब अगर थीटा एंगल पे एंटर हुआ था तो थीटा एंगल पे ही एग्जिट होगा, थीटा एंगल पे अगर एंटर हुआ था तो थीटा एंगल पे ही एग्जिट होगा। इसका मतलब अगर मैं ये रेडियस बनाऊं यहां से और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा ही होगा, क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो एंगल निकालना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मतलब पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक कितना एंगल ट्रेवर्स कर दिया। ये वाला एंगल अगर मैंने निकाल दिया तो मेरा टाइम पीरियड आएगा दोस्तों, टाइम पीरियड डायरेक्ट में लिखता हूं थीटा इंटू एम बाई क्यू बी, याद है अभी सिखाया था मैंने, सिर्फ एंगल कितना, एंगल कौन सा, जो एंगल
वो सेंटर बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल के थ्रू। चलो 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 चलो, ये थीटा है, ध्यान से देखो दोस्तों, रेडियस और वेलोसिटी क्या हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 माइनस थीटा। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी रेडियस के बराबर ही होगी, और ये जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमेट्री से ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों 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 टोटल एंगल कितना हो गया अंदर? क्या 180 माइनस थीटा। लेकिन हमेशा एंगल हम रेडियन में रखते हैं दोस्तों, हमेशा एंगल हम रेडियन में रखते हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं 90 प्लस 90 पाई माइनस 2 थीटा। बोलो हां, मेरा आंसर आएगा टाइम पीरियड इक्वल्स टू m बाय क्यू बी इनटू पाई माइनस 2 थीटा, करेक्ट? नाउ अब क्या हुआ, थोड़ा सा सीन चेंज हो गया। इस बार ये पार्टिकल ऐसा गया, अब इसका सेंटर कहाँ बनेगा दोस्तों? इसका सेंटर बनेगा, ये जाना चाहता है इधर, लेकिन सेंटर हमेशा इसके परपेंडिकुलर बनता है। सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, इधर सेंटर यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये सेंटर अंगूठा हमेशा फिक्स रहेगा और पार्टिकल घूमता रहेगा ऐसा, घुमा 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 घुमा। तो ये अब कैसा फिगर बनेगा दोस्तों? इस तरह का, ये समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस? शाबाश शाबाश। अब हमें एक चीज और पता पड़ गई कि सिमेट्री तो अभी भी मेंटेन रही, सिमेट्री तो अभी भी मेंटेन रही। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट बाहर है, तो इस बार जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो ये वाला एंगल आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है? अगर ये एंगल थीटा, ध्यान से देखो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है? मैं काम करता हूँ बाहर वाला एंगल निकालता, बाहर वाला एंगल मैंने निकाला इजीली। कैसे? हमें पता पड़ गया कि ये जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में है और रेडियस इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना है 90। अगर ये 90 है तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये एंगल कितना हुआ? ये वाला हुआ 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल हुआ थीटा, क्लियर? ओके, ये थीटा, तो फिर से हम ये देखेंगे ये 90 माइनस थीटा ही हो रहा है हमारा। कितना हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है? अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा? ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब टोटल एंगल क्या 2 पाई में से, 2 पाई में से टोटल एंगल कितना है दोस्तों? सर्कल 2 पाई, और ये जो बाहर का एंगल निकाला वो मैंने कितना निकाला? 90 प्लस 90 180, मतलब मैंने निकाला पाई, मैंने निकाला पाई माइनस 2 थीटा। क्या अगर टोटल सर्कल में से ये बाहर वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये ब्लैक एंगल आ जाएगा जो हमें निकालना? ओके, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, टोटल एंगल 2 पाई में से पाई माइनस 2 थीटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना एंगल आ गया? पाई प्लस 2 थीटा, दिस इज द एंगल। अगर ये एंगल है तो टाइम पीरियड आ गया दोस्तों, टाइम पीरियड m by qb into पूरा सर्कल होता था 2 पाई, थीटा एंगल क्या था तो थीटा, और पाई प्लस 2 थीटा एंगल क्या था तो पाई प्लस 2 थीटा। इतनी देर तक ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम के बाहर आ जाएगा, क्लियर? तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर स्टार्ट करने के पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, लॉरेंट्स फोर्स। दोस्तों ये लॉरेंट्स फोर्स क्या है? मान लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। अब अगर मुझे नेट फोर्स निकालना हो, तो जो नेट फोर्स होता है दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी? Because it is moving charge particle, तो charge particle के ऊपर electric field force लगाती है और moving charge particle के ऊपर magnetic field भी force लगाती है। इस case में जो net force दिया जाता है उसको बोलते हैं Lorentz force। तो यहाँ पर Lorentz force क्या given है? The net force equals to force due to electrostatic field या electric field plus force due to magnetic field। यहाँ पर हमने दोनों forces को दोस्तों vector form में add किया है, आपको ये point ध्यान रखना है, दोनों वेक्टर्स हैं इसलिए आप डायरेक्ट वेक्टर एडिशन कर दीजिए तो आपको नेट फोर्स निकल जाएगा। नाउ
हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेलोसिटी सिलेक्टर। अब दोस्तों ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी सिलेक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे प्रोटॉन्स है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन्स सब डिफरेंट 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 स्पीड पे भाग रहे हैं। मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट दैट ऑल दी प्रोटॉन्स और ऑल दी चार्ज पार्टिकल्स विथ हैविंग सेम वेलोसिटी शुड बी कलेक्टेड एट अ प्लेस। मुझे वो चार्ज पार्टिकल्स चाहिए जिनका जिनका वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी सेम हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करता हूं मैं, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स रखता हूं और यहां पर इनको छोड़ देता हूं। अब ये सेटअप कैसा है, इधर प्लस चार्ज है, मतलब ऐसा बोल दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखी है मैंने यहां पर, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, ये ब्लू लाइन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, और ये करंट लाइंस है, ये आपको क्या दिखा रही है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है माइनस के कैप, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर से। तो यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्लियर। चलिए तो देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर होता है यहां पर इस पॉइंट पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, इधर द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द नॉर्मल डायरेक्शन, करेक्ट, एफ इक्वल टू क्यू वी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है, सो एफ इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर्स लगा रही होगी क्यू वी क्रॉस बी, दोस्तों क्यू वी क्रॉस बी, अच्छा वेलोसिटी की तरफ, इधर हमें राइट हैंड रूल लगाना था, इस पॉइंट पे रखो वी क्रॉस बी, बी उधर बी अंदर, क्या फोर्स होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दें, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो आपको ऐसा लग रहा दोस्तों कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड निकल जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना होगा उसके ऊपर, जीरो। तो ये कंडीशन देखते हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, चार्ज पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, नाउ आई कैन राइट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 90 जीरो, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 90 डिग्री एंगल अंदर है, इक्वल टू क्यू वी। तो यहां पे हमारा आ गया ई बाय बी इक्वल टू वी, मतलब हमें क्या करना है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए तो आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दो, अपने हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दो, उनका जो रेशियो आएगा E by B वो आपको डिजायर्ड वेलोसिटी का पार्टिकल वहां पर मिल जाएगा, क्लियर। अच्छा अगर मान लीजिए कि स्पीड ज्यादा होती, ये मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूं वी नॉट स्पीड, डिजायर्ड स्पीड, ठीक है, अगर मेरी स्पीड वी नॉट से ज्यादा है तो क्या होगा दोस्तों, अगर स्पीड ज्यादा है तो फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है वो डोमिनेट करने लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा चलेगा, तब जब मेरी स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल वी नॉट से ज्यादा है, वी नॉट मतलब ई बाय बी के रेशियो से ज्यादा है, और अगर कम होगी तो क्या होगा दोस्तों, ये इधर निकल जाएगा, मतलब सामने सिर्फ वही पार्टिकल जा पाएंगे जिनकी स्पीड ई बाय बी के रेशियो को मैच करेगी, और यहां पर मैं अपना कलेक्टर लगा लूंगा, यहां पर मैं उनको रिसीव कर लूंगा। Now we will discuss another important concept, mass spectrometer. ये mass spectrometer क्या होता है दोस्तों? ये इसके दो application हैं। या तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको किसी particle का mass compare करने के लिए use किया जाता है कि ये particle heavy है या light, ठीक है? दूसरा जो इसका सबसे main role है वो specific charge ratio find करने के लिए, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो मतलब चार्ज पर यूनिट मास हम किसी भी पार्टिकल का इजीली फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से या इस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ये चार्ज पर मास का रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसका मैं आगे आपको वैल्यू बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये सेटअप समझते हैं, सेटअप में क्या है, अभी आप ये वाला सेटअप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू है बी, ठीक है, मैंने सेट करके रखी हुई है बी। ये डॉट मतलब क्या है, बार, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल आता है यहां से वी नॉट स्पीड से, कोई चार्ज पार्टिकल
v नॉट स्पीड से आ रहा है, मैं अज्यूम करता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मैं अज्यूम करता हूँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया क्या घूमेगा, तो q इक्वल्स टू v क्रॉस b, फोर्स कितना लगेगा v क्रॉस b, b के अंदर बाहर बाहर, तो बाहर घुमाना पड़ेगा, तो फोर्स कितना लगेगा नीचे, इसका मतलब इसका सेंटर बनेगा इस लाइन पे कहीं पे, है ना, तो ये मान लीजिए घूम के ऐसा यहाँ पे घूम के ऐसा आ गया। अब मैं फिक्स पॉइंट इसको फिक्स करता हूँ, मतलब एंट्री कराता हूँ फील्ड में, और ये जो प्लेट पे हिट करता है, जैसे ही हिट करता है मेरे को पता पड़ जाता है कि यहाँ पे हिट कर गया, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे स्केल डेवलप कर लेता हूँ ऐसे, अगर मैंने स्केल डेवलप कर ली तो आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मैं इजिली ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या 2r के बराबर होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r के बराबर होगी, अगर मुझे 2r कैलकुलेट हो गया इसका मतलब मैं यहां से इजीली r कैलकुलेट कर सकता हूं, इजीली मैं r कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। ये b की वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने ही फील्ड सेट की है, ये v0 की वैल्यू भी मेरे को पता है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे पता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। चलो तो मैं लिखता हूं क्यू बाय एम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा, वी बाय बी आर, वी बाय बी आर, मेरे को बी पता पड़ गया, आर पता पड़ गया, वी नॉट, वी नॉट क्या है, इस पॉइंट पे एंट्री स्पीड, इस पॉइंट पे एंट्री स्पीड, अगर आपको एंट्री स्पीड नहीं बताओ कोई बात नहीं दोस्तों, वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ाया था मैंने आपको याद, तो वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या करते थे हम, वही पार्टिकल को एंटर करा देते थे जिसकी वेलोसिटी मेरी e by b की वेलोसिटी से मैच हो रही थी। मान लीजिए कि मेरे पार्टिकल को बहुत सारे पार्टिकल्स थे, सब रैंडम में इधर भाग रहे थे और इनको जाने दिया मैंने यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट डी नॉट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना, ये वेलोसिटी सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो जो फोर्स होता था QE equals to QV cross B, याद है आपको दोस्तों, तो ये लगा V equals to कितना आता था E by B, मतलब अगर मैंने E not set कर दिया, B not set कर दिया, इसका मतलब कि मेरी V not set हो, तो यहाँ पे मुझे V not पता पड़ गया, V not पता पड़ गया, radius calculate कर ली, V not मैंने खुद डाली है, तो मैं easily Q by M का ratio find कर सकता हूँ, clear? तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और important application, साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, क्या करता है दोस्तों, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, काफी हाई एनर्जी देता है, या मैं ऐसा बोलूं काफी हाई स्पीड बना देता है, और हम उस हाई एनर्जी पार्टिकल को कहीं भी बम्बार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वर्क कैसे करता है, यहां पर ये मेटालिक डीज है, क्या है दोस्तों, मेटालिक डीज, मेटल के दो डी शेप के, ठीक है। अब सेंटर पे कुछ भी नहीं है और ये डी के अंदर क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, डी के अंदर क्या दोस्तों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। हमने क्या किया, इन दोनों डी को एक कनेक्ट कर दिया सोर्स से, ये दोस्तों अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हर टाइम के बाद ये अपनी साइकिल चेंज करता है, इसे अपनी साइकिल चेंज करते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स यूजुअली इस तरह के होते हैं जो अपनी साइकिल चेंज करते रहते हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव साइकिल, सेकंड हाफ में नेगेटिव साइकिल, ऐसे, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल है जो सेंटर पर रखा हुआ था, ठीक है, इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, इनिशियली क्या मानता हूं मैं, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, ओके। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है और मैंने यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, या एसी सोर्स लगा दिया, तो मान लीजिए अभी के लिए ये मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो चार्ज है वो कहां आ जाएंगे, मेटल की सरफेस बाउंड्रीज पे आ जाएंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो चार्ज आए हैं वो सब कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर सब नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए हैं, ठीक है। अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कुछ भी नहीं है। यहां से ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही रेस्ट पर रखा होगा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे लग सकता है, करेक्ट, F equal to QE, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर लेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब जैसे ही वो मूव किया, आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया, और उसके पास कुछ वेलोसिटी है,
वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो अब क्यू वी क्रॉस बी, बी इधर बी अंदर, या फोर्स ऊपर रहेगा, मतलब ये ऐसा जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी तो वापस ऐसे ही बाहर आएगा, तो इस पॉइंट से ये बाहर आएगा, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि जो वेलोसिटी होती है वो हर यहां पर मान लीजिए कुछ यू है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू है। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है और फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है सच दैट द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट इज क्लियर, मतलब स्पीड बढ़ाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है और स्पीड कॉन्स्टेंट रखने का काम मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। चलो चलो चलो, हमने एक चीज पढ़ी है कि जो रेडियस होता है वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, मतलब मास फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, रेडियस प्रोपोर्शनल आ गई वेलोसिटी के। जैसे जैसे मैंने वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा रेडियस बढ़ता जाएगा, या मैं बोलू जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, क्लियर। चलिए ना, यहां पर क्या होगा दोस्तों, जैसे ये अंदर एंटर किया, जैसे ये अंदर एंटर किया ये घूम जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये घूम के यहां आता है तो दोस्तों टाइम कितना लगता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड आपको फॉर्मूला याद होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, तो हाफ टाइम कितना लगा दोस्तों, टी हाफ की बात करो तो ये जाएगा πm/qb, ठीक है। अब जैसे ही πm/qb टाइम होता है हम क्या करते हैं, इस सोर्स की पोलैरिटी पलट देते हैं, ये है यहां का मेन क्रक्स। जैसे ही सुनो, ध्यान सुनो, पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड चाहे कितनी भी स्लो हो कितनी भी फास्ट हो टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम पीरियड उस मामले में तो क्योंकि एम फिक्स है, क्यू फिक्स है, वी फिक्स है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी चार्ज पार्टिकल का फिक्स ही है। उसके अकॉर्डिंग हम इस एसी सोर्स का टाइम पीरियड लेते हैं, हम क्या करते हैं जैसे ही ये बाहर आने वाला होता है हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। जैसे ही हमने पोलैरिटी चेंज करी तो दोस्तों ध्यान से देखो, जो पहले पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, समझ रहा है। अब ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड नेगेटिव हुई, अब ये चार्ज पार्टिकल का यहां से बाहर आया, इसके पास इस बार ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है लेकिन कम है, बहुत कम वेलोसिटी। अब क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्लियर, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंक्रीजेस द वेलोसिटी यहां पर इस केस में, है ना। चलो अब जैसे ही स्पीड बढ़ी तो आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा रेडियस का बढ़ रहा है, तो ये बड़ा रेडियस ऐसे बढ़ लगता है, यहां से यहां तक स्पीड v1 है लेकिन v1 कांस्टेंट है, ठीक है। चलो मान लीजिए v1 से बाहर गया, जैसे ही बाहर गया हम क्या करेंगे, फिर वेलोसिटी चेंज कर देंगे, ये करना है आपको, तो ये फिर इसकी स्पीड बढ़ गई, मान लो v2 हो गई बड़ा ऐसे, तो दोस्तों बढ़ते 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 अब क्या होगा, फिर यहां पर आ गया पोलैरिटी चेंज कर दी, ये ऐसा हो जाएगा हमारा, और यहां से हम इसे टारगेट पे हिट करा लेंगे, एक पॉइंट हम टारगेट पे हिट करा लेंगे। तो आपको क्या चीज दी थी दोस्तों, यहां पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई पार्टिकल, धीरे धीरे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती, कौन बढ़ा रहा है स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड घुमा घुमा के ले आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देता है कि स्पीड हर बार उसकी बढ़ती जाती है। और हमने जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स कंसिडर किया है, इतना स्मार्टली पिक किया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, ठीक है। साइकिल मतलब दोस्तों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मतलब पहले हाफ में पॉजिटिव दूसरे हाफ में नेगेटिव। सिमिलरली जब पहले हाफ में ये आ जाता है तो ये पॉजिटिव होता है, फिर सेकंड हाफ में ये आ जाता है तब ये नेगेटिव होता है, तो दोनों का काम हो जाता है। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए दोस्तों सेम, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए आप,
कि दोनों की स्पीड या वेलोसिटी सॉरी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड होगी दोस्तों, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड हम निकाल सकते हैं V max is equal to यहाँ क्या आएगा दोस्तों, रिजल्ट V max इधर से निकाल लो तो कितना आएगा, QBR by M। ओके, अब मुझे मैक्सिमम चाहिए तो क्या दोस्तों रेडियस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, रेडियस मैक्सिमम हो सकती है इस केस में, कितनी मैक्सिमम रेडियस हो सकती है, रेडियस मैक्सिमम हो सकती है डिस्क के, ये जो डीज है मेटालिक डीज है इनके टाइम रेडियस के बराबर, क्योंकि ये भी तो कुछ ऐसे शेप के हैं है ना, डी शेप के हैं, तो ज्यादा से बड़ा रेडियस इतना हो सकता है, इससे बाहर तो बाकी जा नहीं सकता, तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, वी मैक्स इक्वल्स टू क्यू बी इंटू आर बाय एम, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मेटालिक डी। यहां पे अगर वो मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं मैक्सिमम, क्या पूछते हैं, अगर वो मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं तो हाफ एम क्या वी मैक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और आप वी मैक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से तो क्या हो जाती है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू एम, ये एम से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच आई विल गेट, ठीक है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल की। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर साइक्लोट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट करता है, हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं बीटाट्रॉन, ठीक है, तो यूजुअली ये अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन इन पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए यूज किया जाता है, जिसका मास भी सिग्निफिकेंट हो और चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर के संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की लेकिन हम वो चिराग हैं जो आंधियों में भी जलते रहे। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।